بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں سب پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله بوج با جو سپڑی الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लम दी बारगाह दे अंदर हदीए दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद इंतहाई वाजिब ले इहतराम मौजूद व मोहतरम सादात ए कराम उलमाए कराम नत खान शेर लिसान बानियां ने माफल नकीब माफल मौजूदीने इलाका मेहमानन गरामी आज दे पकीजा प्रोग्राम बसरस लाए सालाना माफले मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम आप दे इस इलाका नवाज नगर नजद नहर वाला पुल क्लास के दे अंदर इनका दफजीद है जिस ता इंतजाम उन सलाम तमाम बरादरान बिलखसूस मोहम्मद जैन अली और दिगर मुआमिनीन मोहम्मद आसफ मनहास साहेब जिन्होंने माफले पाक दा इंतजाम फरमाया रब ताला कबूल फरमा के साडे सब दे वास्ते जरिया निजात बनाए मेरे स्टेज दी जीनत आले नबी औलादे अली पीरे तरीकत रहबरे शरीयत अल हाफिज़ुल कारी पीर सैयद मोहम्मद अदनान शाह साहेब आबिद तशरीफ फरमा और मेरे पीर भाई इंतहाई मुहब्बतां दे हामिल बरादर मोहतरम मोहतशम जनाब तजम्मल हुसैन चुराई साहेब मुजद्दी साहेब आप दी मार्फत दे नाल मैं तुहाडी ज़ियारत वास्ते हाजिर हां रब ताला इल्म व अमल दे अंदर नुतक दे अंदर सोज आवाज़ अंदाज दे अंदर मजीद बरकत अता फरमाए और हजरत अल्लामा मौलाना कारी मुहम्मद अजीम मुजद्दी साहेब मैनू मिल के गए ने खलीफा मुजाज आस्ताना आलिया चूरा शरीफ नूरे नजर कबीर उलौलिया रब ताला सेहत वाली लम्बी उम्र अता फरमाए और सिक्योरिटी इंचार्ज सुन्नी तहरीक दे सदर इस तुहाडे इलाके दे मुहम्मद सलीम मनहा साहेब मुहम्मद जफर इकबाल वसीम साहेब
और मुहम्मद जैन अली मनास अली रजा मनहास और दिगर मुआमिनीन जिहड़े तशरीफ लैके आए मैं फरदन फरदन नाम लवां ते काफ़ी वक्त दरकार है। बड़ा सोहना इंतजाम किया भी तुसा लाइटां भी लगाइयां पंडाल भी सजाया स्टेज ते सादात नूं भी बुलाया तुसा बड़ा सोहना जिहा इंतजाम किया। यकीन जानो भाई क्लास के वालिओ शाह जी हजूर आका दे गुलामां नूं अपने आका दा मिलाद मनाउणा ही इंज चाहीदा है। ये बाबा जी साढ़े बाबा जी हजूर मंजूरे नज़र ने साइयां दे बाबा जी इन्हां दा नाम मुहम्मद जवेद साहब ये बड़ा प्यार करते हैं। अल्लाह इन्हों भी सलामत रखे उम्र खिदरी अता फरमाए काफ़ी पीर पाई तशरीफ फरमा रब तला सब दाना जना कबूल फरमाए। क्लास के वाले मैनू तो रख तसली दिया जे कि मैं क्लास के बैठा और बाबा जी फजल शाह साहेब साढ़े वड्डे घर उन्हां दे बिल्कुल खास खास मुरीद बाबा जी मुहम्मद सलीम साहब वह भी तशरीफ फरमा दे रब तआला सब दा आना जाना कबूल फरमाए। क्लास के वाले मैनू नहीं पता कि इशा तो लैके होने तक यकीनन जिथे बाबे चूरे वाले का कोई एक गुलाम भी टुर जाए वह बंदे नूं चुपते रहन नहीं ना देंदा बे। ठीक है ये तो जम्मल साहब ने मैनू पता है कि तुहानूं बड़ा जगाया होएगा पर इन्हें अपने हिस्से का जगाया है तो जिहड़ा तुसां मेरे वास्ते जोड़ के रखे ना बई एक बारी ए एन करके हाथ बुलंद करो हाथ बुलंद करके ते सीने दा जोर ला के फरमाओ बोला सुभान अल्लाह। ਇਹ ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਉੱਚਾ ਜਬੁਰ ਕੇ ਫਰਮਾਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਜ਼ੈਨ ਅਲੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਮਤ ਏ ਵਾਲਦਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਕਬਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। इन्हें मैंने कहा कि अज सानू अजमत वालदैन सुना के जाया जे मैं उसे ही मुतल्लिक कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मशहूर मरूफ आयत मुकद्दसा तिलावत करना शरफ हासिल किया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या। अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुहाडा पालनहार तुहाडा रब तुसां नूं हुक्म ने इस बात की वसीयत कर रही हां कि अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या जो भी इबादत करे जे मैं खुदा भी करे जे मेरी इबादत तो बाद सारा तो अहम कम करना है बाबिल वाली दे एहसान आ अपनी अम्मी ते अपने अब्बे नाल हुस्न सलूक करे हुण अज सुभान अल्लाह शाह जी ओ बोलेगा जेड़ा अपनी अम्मी नूं अम्मी जी ते अब्बू नूं अब्बू जी कहिंदा है। अज सारी तकरीर मैं तुहाडी अम्मी ते तुहाडे अब्बे दी शान दी सुना के जानी है जिन्ने सुननी है दोवें हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा कि इबादत मेरी कर अपनी अम्मी ते अपने अब्बे नाल हुस्न सलूक कर। भाई क्लास के वाले तो कुरबर जबार तो तशरीफ लेके आने वालों जरा अपनी जिंदगी का मुताला करके देखो ना ही असि इस दौर के अंदर रब की इबादत कर रहे हैं ते ना ही असि वालदैन का अदब ते एहतराम कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई इन्हें मैंने मौजू दे दिता कि अजमत वालदैन मेरा दिल करता है कि अज मैं तुहानू अजमत वालदैन इस अंदाज च सुना के जावा। हो सकता कोई मां बाप का वालदैन का ना फरमान बैठा हो सुबह जाके अपनी अम्मी ते अब्बे नू राजी कर लवे। अल्लाह फरमा रहा कि इबादत मेरी करते अपनी अम्मी ते अपने अब्बे नाल हुस्न सलूक कर। अर्थ कीती या अल्लाह जिक्र मां बाप का करना होंदा जिक्र तुसी अपना छिल्ले दिओ वजह की है। अल्लाह ने फरमाया कि एक लत्त खलो के सारी रात नफल पढ़ सारी रात अल्लाह अल्लाह कर सारी रात तस्बीहां पढ़ सारी रात विर्द वज़ीफे कर सारी रात सर सजदे विच रख अगर सुबह उठ के तेरी अम्मी ते तेरा अब्बा तेरे ते नाराज हो गया मैनू तेरे रात दे जगरातां दी लोड़ ही कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया अगर तू चाहना मैं रब दे करीब हो जा रब दा कुरब नसीब हो जाए मैं रब दे नेड़े हो जा फिर इंज करया कर तो सुबह उठ के अपनी अम्मी दे कदम अपने अब्बे दा मत्था चुमया कर तेरी सारी रात सुतियां भी गुजर गई मैं रब इबादत विच शुमार कर लवांगा।
शर्त की है कि इबादत मेरी कर अपनी अम्मी ते अपने अब्बे नाल हुस्न सलूक कर। अल्लाह ने बेशुमार मकामात ते वालदैन दी अज़मत नूं बयान फरमाया। हुण मैं पढ़ा कुरान जे बोलो सुभान अल्लाह ते भाई किबला शाह जी हुजूर ते शरीफ फरमाने उलमा भी ते शरीफ फरमा ए आमीन फरमान गए। या अल्लाह जरा दो में हाथ चुके सारे तो उच्ची सुभान अल्लाह बोले सारे तो पहले मदीने दा मुसाफिर बन जावे ते या अल्लाह तेरा की जाना जरा सीने दा जोर ला के दो में हाथ चुके उच्ची सुभान अल्लाह बोले अपनी अम्मी नू अम्मी जी ते अबू नू अबू जी कह के बुलाया करे। ते या अल्लाह तेरा की जाना जरा सने स्टेज वाले दो में हाथ चुके बोले राती सोवे ते ख्वाब च कमली वाले दी ज़ियारत नसीब फरमा। ते या अल्लाह तेरा की जाना जरा इस उच्च सुभान अल्लाह बोले अज जागदे माफर च हुसैन दे नाने दी ज़ियारत नसीब फरमा। सजे खबे वेख्या जे जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा आसरा दे के चुको ते उच्चा जे बोल के फरमा सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बकदा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इयाहु व बिल वालिदैन इहसाना। दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया वाबुदुल्लाह वा तुशरिकु बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसाना। तीसरे मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया व इज़ अख़दना मीसाक बनी इसराइल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। थोड़ी जी घट सुभान अल्लाह बोली ते मैं क्या चलो ठीक है ना बोलो कल मैं क्लास के जाना है। उन्हें इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह बोल देनी है कि पूरा महीना ही मेरा गुजारा हो जाना है। मैनू की पता सी कि तुसा इन्नी हौली सुभान अल्लाह बोली है मैं राती उन्हां कोल ही बुला लैंदा भाई वदी नू सत्ते ही खैर ने तुम्हें हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह। शाह जी हुजूर अल्लाह ने सिर्फ उम्मते मुस्तफा नू हुक्म नहीं फरमाया अल्लाह ने पिछलियां कौमां औलादे यकूब ते बनी इसराइल को भी पक्का ते पीड़ा वादा लिया। अल्लाह ने फरमाया के भाई इद अखदना मीसाक बनी इसराइल ए बनी इसराइल वालियो ला ताबुदूना इल्लल्लाह जदो भी इबादत करया जे मैं खुदा दी करया जे मेरी इबादत बाद जरा सारा तो अहम काम करना है व बिल वालिदैन इहसाना अपनी ते अपने अब्बे नाल हुस्न सलूक करे। आजे आओ हुण एक बात मैं तुहानू पिछलियां उम्मतां दी सुनावां। हजरत अलामा मौलाना अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने मलफूजात आलिया च लिखदे ने कि अल्लाह दे नबी मूसा अलैह सलाम कौन मूसा अलैह सलाम कलीमे दा बानी जिन्ना दा जदो दिल करदा है डायरेक्ट कन्ना रब नाल करदे ने। अल्लाह दे नबी मूसा अलैह सलाम मुल्के शाम तो मुल्के अंताकिया जा मुल्के अंताकिया तो मुल्के शाम दा सफर फरमा रहे कलीमे रबानी सन थक गए ते रब दी बारगाह च अर्ज कीती या अल्लाह मैं तेरा कलीमा ते थक गया सवारी दी लोड़ है मैं तेरा कलीमा। सवारी मंगो उत्ते नू सवारी दे देगा। अल्लाह दा नबी मूसा अलैहि सलाम फरमांदे मैं टुरा टुरा जड़े वेले पहाड़ी दी चोटी ते गया ते मैं जाके की वेख्या कि एक सफेद दाढ़ी वाला बाबा उस बाबे दियां अखियां बंद ओ बाबा अल्लाह अल्लाह करी जा रहा। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहि सलाम फरमांदे मैं बाबे दे करीब गया ते मैं अर्ज कीती मैं बोल के क्या जी अस्सलाम वालेकुम
उस बाबे ने नजर उठाइया अख च अख पा के कह लगा जी वालेकुम सलाम मूसा अलैहि सलाम। बाबा फिर याद इलाही जो मस्त हो गया। अल्लाह के नबी मूसा अलैहि सलाम हैरान है कि मैं इस बाबे नु नाम ते दसिया कोई नहीं, इन्हू मेरे नाम का कि मैं पता चल गया। उस बाबे ने फिर नजर उठाई ये हाथ जोड़ के अर्ज की नबी अल्लाह तुम ये प्या सोचते हो कि तुहाडे नाम का मैनू किवें पता लगया। नबी अल्लाह सच्ची दस्या जे वो जिहड़ा रब तुहानू इतनी दूर तो मेरे को भेज सकता तुहाडा नाम भी मैनू दस सकता है। बाबा फिर याद इलाही जो मस्त अल्लाह के नबी मूसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मैं कदे दक्षिण कदे पहाड़ कदे मशरक कदे मगरब कदे शमाल कदे जनूब कदे सज्जे कदे खब्बे कदे गेंदे कदे चढ़दे पे वेखा कि गरीब पिंड कोई नहीं बस्ती कोई नहीं ग्राम कोई नहीं शहर कोई नहीं ए बाबा सवारी कित्थों देवेगा। उस बाबे ने फिर नजर उठाइया ते अर्ज कीती नबी अल्लाह तुसीं ए पे सोचदे हो कि सवारी कित्थों आवेगी, इजाजत होवे ते सवारी आ जाए। तुसीं हौला बोलो सुभान अल्लाह, इजाजत होवे ते सवारी आ जाए। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहि सलाम फरमान लगे आ जाए। बाबे ने आसमान वल वेख्या, शाह जी हुजूर आसमान वल वेख्या ते बदल दे टुकड़े आसमान वल जा रहे। बाबा बदल दे टुकड़े नूं इशारा करके कहण लगा बदल दे टुकड़िया जरा जमीन ते आ, मैनूं तेरे नाल काम है। बदल दा टुकड़ा जमीन ते आया। बाबा कहण लगा बदल दे टुकड़िया जरा सवारी बन जा। बदल दा टुकड़ा सवारी बन गया। हुण अल्लाह दे नबी मूसा अलैहि सलाम नूं सवारी ते भुल गई, सवारी भुल गई। अल्लाह के नबी मूसा अलैहि सलाम फरमान लगे बाबा दस किन्नी की अल्लाह अल्लाह कीती आ, दस किन्निया को तस्बीहां पढ़ लिया नी, दस किन्ने को सजदे कर लैनी, दस किन्ना को रब नूं राजी कर बैठा है। बदल दे टुकड़े आसमान तो जमीन ते बुला लेना है। उस बाबे ने हाथ जोड़ के अर्ज कीती नबी अल्लाह ए मेरा कमाल नहीं, ए मेरिया तस्बीहां दा कमाल नहीं, ए मेरे रातां दे जगरातां दा कमाल नहीं, ए मेरे बिरद ते वज़ीफ़ियां दा कमाल नहीं। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहि सलाम फरमान लगे बाबा दस फिर किदा कमाल है। हत जोड़ के अर्ज कीती नबी अल्लाह ए मेरा कमाल नहीं, मेरी मां दियां दुआवां दा कमाल है, ए मेरी मां दियां दुआवां दा कमाल है। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहि सलाम आ फरमान लगे बाबा दस मां दियां दुआवां दा की कमाल है। हत जोड़ के अर्ज कीती नबी अल्लाह जेड़े वेले मैं जमान सा घर बच्च बुढ़ी बड़ेरी मां बीमार सी, नबी अल्लाह मैं कुछ नहीं करता रिया, बस 20 साल अपनी मां की खिदमत करता रिया। नबी अल्लाह जड़े वेले मेरी मां दया आखरी बेला आया, मेरी मां ने इंज करके बाजू फैला लै ते रो के कह लगी पुत्रा आजा तेरी मां तुर चली आ, आजा जानी वारी मां जो सीने लग जाओ। नबी अल्लाह मैं मां नु जफा मारे आओ, मेरी मां ने मेरा मथा चुमे आओ, मेरी मां ने मेरे रुखसार चुमे ते रो के आसमान वल वेखे आओ ते रो के कह लगी नीली छत दे आ मालिका मैं पुत्र ते बड़ी लाडी चली आओ, 20 साल पुत्र मेरिया खिदमता करता रही आई। या अल्लाह जिवें ए मेरिया मनदारिया मैं तुर चलिया, मेरे जान तो बाद तू इंदिया मनदारी, तू इंदिया मनदारी। नबी अल्लाह ओ दिन गया अज दा दिन आया, रब दी बारगाह जदों भी सवाल किया है रब मेरे हाथों नूं खाली नहीं मोड़िया। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहि सलाम रब दी बारगाह च अर्ज कीती या अल्लाह मैं नबी हाँ ए वली है, बदल दे टुकड़े आसमान तो जमीन ते बुला लैंदा है। अल्लाह ने फरमाया मूसा इहदे विच एडा कमाल नहीं, इहदे पिछे इहदी मां दियां दुआवां दा कमाल, इंदे पिछे मां दियां दुआवां दा कमाल। ओ तू मां नूं झिड़का मारना, ओ तू भज भज पीरां दे पैर फड़ना, पर जिहड़ा घर वड्डा पीर बैठा ओनूं कदे पुछे ही नहीं, कदे उस पीर कोल भी बैठा गा
ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੂਫੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾ ਫੜੀ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਨਾ ਜਵਾਨੋ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹੈ ਵਲੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੋਈ ਤੂਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਈ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਈ ਅੱਜ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾ ਮਾਦੀਆ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾ ਮਾਦੀਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਅਜ਼ਮਤਾ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾ ਮਾਦੀਆ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜੋ ਅਜ਼ਮਤਾ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾ ਮਾਦੀਆਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਏ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਆਖੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬੰਗਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਏ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਏ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਏ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵੇਖਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੈਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਖੈਰੀ ਆਵੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਕੈਮਰਾ ਵਾਲਾ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਗਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਬਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜੋ ਅਜ਼ਮਤਾ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾ ਮਾਦੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਆਲੀਆ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਤਮੇ ਨਬੂਵਾ ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਤਮੇ ਨਬੂਵਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜਿੰਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਤਾਰ ਦੀਏ ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆ ਮਾਫਲ ਚ ਆਇਓ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਂ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਲਾਸ ਕੇ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅੰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ
मां दे कदमां दे थले जन्नत उस अब्बे दी की शान होवेगी और तेरी अम्मी दे कदमां दे थले तेरी जन्नत तेरी अम्मी कपड़े तेरे अब्बे दे धोंदी है तेरी अम्मी अब्बे तेरे दे कपड़े धोंदी है उस अब्बे दी की शान होवेगी मेरे नबी सहाबा दे इज्तिमा च बैठे ते मेरे नबी ने फरमाया कि सहाबा किसे ने जन्नत दा दरमियानी दरवाजा वेखना अदकिति जी सोनिया वखा दियो मेरे नबी ने फरमाया कि जाओ सारे अपने अपने घर दौड़ जाओ सारे टुरे ना ते आओ थोड़ी दूर जाके ना ते मेरे नबी वाले देखे कि अदकिति कमरी वाले आ एक घर ते जन्नत दा दरवाजा मेरे नबी ने फरमाया हाँ जाओ अपने अपने घर जाके अपने अपने अब्बू दे चेहरे दी ज़ियारत कर ले जे समझ जे जन्नत दरमियानी दरवाजे दी ज़ियारत कर ली है अज मैं तो अम्मी दी भी शान सुनानी है ते अब्बे दी भी शान सुनानी मां दी बड़ी शान है ते अब्बे दी भी बड़ी शान है मेरी मिल्लत दे नौजवानों ओ एक यमनी नौजवान मेरे नबी दी बारगाह च आया आके कह लगा सोनिया मैं अपने मापियां दी इकल्ली औलादा इकलौता पुत्र हां ते महबूबा मैं सुनया जिंदे ते तुसी राजी ना होवो ओंदे ते रब भी राजी नहीं होंदा मेरे नबी ने फरमाया कि दूर दा सफर करके आए ते थोड़ी देर आराम कर थोड़ी देर बाद गल कर रहे हैं थोड़ी देर गुजरी और नौजवान फिर मेरे नबी दी बारगाह च ते कह लगा सोनिया मेरे ते राजी हो जा मेरे नबी ने फरमाया दस तेरे घर वाले का की हाल है और नौजवान रो के कहने का सोनिया अपनी अम्मी दे अपने अब्बे दी इकलौती औलाद दा कल्ला ही पुत्तर हां पर सोनिया तुहानू राजी करन आया मेरे नबी ने फरमाया तू चाहना मैं तेरे ते राजी हो जा जी सोनिया मेरे ते राजी हो जा हुन हाथ थल्ले ना रखा जे जबाना खामोश ना रखा जे क्लास के वाले हो कोई जबान खामोश ना रहे कोई हाथ थल्ले ना रखा जे मेरे नबी ने फरमाया तू चाहना मैं तेरे ते राजी हो जा जी सोनिया मेरे ते राजी हो जा मेरे नबी ने फरमाया जा फिर घर वापस चला जा ते घर बैठ के अपनी अम्मी दे अपने अब्बे दे चेहरे दी ज़ियारत कर लवी अपनी अम्मी दे अपने अब्बे नु घर बह के राजी रख मैं मदीने बैठा मोहम्मद तेरे ते राजी हो जावा ए तो पता पता की चलया जिंदे ते अम्मी ते अब्बा राजी ओंदे ते कमली वाला राजी ए नौजवानो सुन लो हुन कलमा पढ़न दा फिर कोई नहीं जे फायदा जे अम्मी ते अब्बे नु दुख दे बोगे जिंदे ते अम्मी ते अब्बा राजी होंदे ते कमली वाला राजी जिंदे ते कमली वाला राजी होंदे ते रब राजी जिंदे ते अम्मी ते अब्बा नाराज होंदे ते कमली वाला नाराज ते जिंदे ते कमली वाला नाराज हो गया ते पीछे रह भी की जांदा पीछे रह भी की जांदा मेरी मिल्लत ना जानो इशा दी नमाज पढ़ के ना मेरे नबी मुसल्ले ते बैठ के रो रहे किसे अर्ज कीती कमली वाले रोंदे क्यों मेरे नबी इस दर्द नाल रो रहे कि अथरुआ दे नाल मेरे नबी दी पूरी दाढ़ी तर हो गई सहाबा अर्ज कीती कमली वाले सानू दसो असी रो लेने आ मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मैनू अज कोई तकलीफ नहीं बस मैनू अज मेरी अम्मी दी याद पे आउंदी है अज मैनू मेरी अम्मी दी याद पे आउंदी है ओ मां दी कदर पुछनी जे ते ओनू पुछो जिंदी मां कोई नहीं अज मैनू मेरी अम्मी दी याद पे आउंदी है मेरे नबी जारो खितार रो रहे रो के फरमान के सहाबा काश आज मैं मुहम्मद दी मां आमना जिंदा होती ते मैं मुहम्मद रब दी नमाज पढ़दा होंदा ते मेरी मां हुजरे च बैठी मैनू आवाज मार दी ते मैं रब दी नमाज छड़ देनी सी ते अपनी अम्मी दी गल सुन के आना सी अपनी अम्मी दी गल सुन के आना सी आरफ खड़ी मियां साहब फरमांदे ने मावा वाले ए मावा देख ले सैथरिया बिले जाते मोया मावा वाले रो रो ए अभी चुप कर जाते मोया मावा मोया मावा ए वाले रो रो ए आपे
चुप कर जाते। एक दिन अबू जाल ने मेरे नबी नो पत्थर मारिया, मेरे नबी दे मत्थे विचों खून पिया निकलदा है, मेरे नबी काबे दे पर्दे फड़ के रोई जा रहा है। इधर हजरत अमीर हमदा दी लौंडी गुजरी, उन्हें वेख्या कमली वाले कलुआ बह के पिया रोंदे, अमीर हमदा दी लौंडी रोंदिया थर चली गई। इधर अमीर हमदा शिकार करके थर वापस आए, लौंडी खाना रख दी रोन लग गई। अमीर हमदा ने पूछा दस रोनी लौंडी, कह लगी मैं रोवा आना तो की करा, अज मैं कमली वाले नो कल्या रोंदिया वेख के आई हां। अमीर हमदा ने पूछा दसो मेरे पति जे मोहम्मद नु होया की है, लौंडी कह लगी अज अबू जाल ने पत्थर मारिया है। हजरत अमीर हमदा ने कमान पकड़ ली, जाके अबू जाल दे सिर विच मारी, अबू जाल दे सिर पाड़िया काबे दे विच आया, कमली वाले ने फड़ के सीने नाल लाया, कह लगे सोनिया रोना मैं तेरा चाचा तेरा बदला लै आया वा, मैं तेरा चाचा तेरा बदला लै आया वा। मेरे नबी ने अपने बाजू छुड़ा दिते, मेरे नबी ने फरमाया मेरा अज कोई चाचा नहीं, अज मेरा कोई बाबा नहीं, अज मेरा बाप अब्दुल्ला होगा, लोकी मैनू यतीम शब्द के ना मार दे, अज मेरी माँ आपना जिंदा होगी, अज मैं कल्या बह के ना रोंदा। मेरे नबी जार कितार रही यार, इमाम वाले इमाम दे फुल इस फरियाद ले जाते, मोया मामा वाले रो रो आप ही चुप कर जाते। जो मेरे नबी दी अम्मी दा आखरी वेला सी ना, आखरी वेला ते 6 साल कमोबेश मेरे नबी दी उम्र मुबारक सी, ते जो सैयदा आमना ने इंज करके कमली वाले नु पकड़ के हजरत उम्मे ऐमन दी झोली च बिठाया ना, ते मेरे नबी दर्द नाल रोए, मेरे नबी दी अम्मी कह लगी नहीं है उम्मे ऐमन मेरे मुहम्मद का ख्याल रखी थी इन्हों रोन ना दे मी, मेरे मुहम्मद का ख्याल रखी थी इन्हों रोन ना दे मी। क्लास के वाले हो 6 साल मेरे नबी दी उम्र, ते मेरे कमली वाले अपनी अम्मी दी कबर हथी तैयार की थी, मेरे नबी अपनी अम्मी दी कबर ते नाले पत्थर रख दे ने ते नाले जारो खुदा रोन दे ने, नाले मेरे नबी अपनी अम्मी दी कबर बना दे ने ते नाले रोन दे ने। आ ईद आउंदी है ना, मां दी कदर पुछ ओनो जिदी मां कोई नहीं, ईद आउंदी है जिन्हां दे वालदैन जिंदा ने ओ ते ईद वाले दिन अपनी अम्मी ते अब्बे दे सीने लग जांदे ने, पर ओनू पुछ जिनी अम्मी ते अब्बा कोई नहीं, ओ ईद वाले रोज घर नहीं जांदे, सीधा कब्रिस्तान जांदे, कब्रिस्तान जाके अपनी अम्मी ते अब्बे दे कदमां वाली सैर ते बैठ के कहंदे ने अम्मी अब्बू जी एक बारी उठो ते सीने ला लवो। आ वेखो अज सारे अपने अपने पुत्रां नूं सीने फैलांदे जे ते सानूं सीने लाण वाला भी कोई नहीं, सानू सीने लाण वाला भी कोई नहीं। अपनी अम्मी नूं झिड़का मारन वाले हो, अपने अब्बे दे अग्गे सामने खड़े हो के अख च अख पा के वेखण वाले हो, यार जदों अम्मी ते अब्बा बुलावे ते नजरां झुका लिया करो, ये जदों टुट गया ना कदर दा पता उस दिन लगेगा। एक दिन ना बड़ू साध दी गली ते दो कद दराज औरतां शाह जी हुजूर आपस च गल्लां कर रही,
ते एक दूसरे नु बोल के कह लगी नहीं मैं सुनया मक्के विच अल्लाह दा नबी आया या अल्लाह जिहड़ा हाथ चुक के उच्ची सुभान अल्लाह बोले ओदे वेले कमली वाले तशरीफ लेके आ जा पड़ नाल दी बोल के कह लगी नहीं मैं ते सुनया सोना ही बड़ा है नाल दी कह लगी नहीं मैं ते सुनया के ए उंगली दा इशारा करे ते चन्न तोड़ लेंदा नाल दी कहने की नहीं मैं ते सुनया के डुब्बा सूरज भी मोड़ लेंदा है नाल दी कहने की नहीं मैं ते सुनया के पत्थरां तो कलमे भी पढ़ा लेंदा है नाल दी कहने की नहीं मैं ते सुनया ओ दरख्तां नूं भी टोर लेंदा है नाल दी कहने की नहीं मैं ते सुनया गुंगियां तो गल्लां भी करा लेंदा है नाल दी कहने की नहीं मैं ते सुनया के जिधरों लंघ जावे पत्थर भी ओहदे कलमे पढ़दे ने ते फिर असी भी क्यों ना कह दिए कि ओ पत्थरां तो कलमे पढ़ा जानदा ते सुखिया खजोरा उगा जानदा अच्छा जिंदा ईमान है ना कि साडा नबी पत्थरां तो कलमे पढ़ा जानदा ते गुंगियां तो गल्ला करा जानदा ते दरख्त टुरा जानदा ते डुब्बे बेड़े तरा जानदा ओ हाथ चुक लवे हाथ थल्ले कोई ना करे भाई जिंदा ईमान है की होया जे झंडे कोनी अल्लाह ने ए हाथ कादे वास्ते देते ने के महबूब दी नाथा पढ़न वास्ते देते ने इन हाथ नु इंज करके लहरा के सारे मेरे नाल मिलके पढ़या जे के ओ पत्थरा तो कलमे पढ़ा जानदा है ते सुखिया खजूरा उगा जानदा है ओ पत्थरा तो कलमे पढ़ा जानदा है ते सुखिया खजूरा उगा जानदा है ओ डुब्बे अपेड़े एक बोल के कहने की नहीं मैं ते सुनिया उंगली दा इशारा करे ते चन्न तोड़ देता है नाल दी कहने की नहीं मैं ते सुनिया के डुब्बा सूरज भी मोड़ लेंदा है नाल दी कहने की नहीं मैं ते सुनिया जेड़ा ओनु वेख लवे ओंदा ही हो जांदा है अम्मा हलीमा फरमांदे ने के मैं टुरदी लगी जा रही सुनदी लगी जा रही टुरदी लगी जा रही सुनदी लगी जा रही अम्मा हलीमा फरमांदे ने के मैं थोड़ी दूर गई ना ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹਲੀਮਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨੀ ਹਲੀਮਾ ਚਾਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇੱਧਰ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਉੱਧਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਕਾਮ ਜਨਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਸੀਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰੇੜੀ ਦੀ ਮਾਈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਮਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁਣ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਏ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਕਹਿਣਗੀ ਸੋਹਣਿਆ
मैं चलनी सहाबा फरमाद ने माई तुरन लगी मेरे नबी ने उस माई ने दिरहम ते दिनार दिते बकरियां दा इजड़ दिता मेरे नबी उस माई दे नाल तुरदे लगे जा रहे थोड़ी दूर जाके मेरे नबी रोन लग गए माई कहन जी सोने रोना क्यों मेरे नबी फरमा लगे अम्मा जी थानू ते पता है मेरी अम्मा भी कोई नहीं अब्बा भी कोई नहीं अम्मा जी मेरा तो दिल कर जाए कोई मैनो पुत्र आखे मैं माँ समझ के सीने नाल लग जावा अम्मा जी मेरे कोले आउंदे आ जांदे रे आवे माई ने मेरे नबी दा मत्था चुमिया माई कहन लगी सोनिया रोना मैं वादा करनी मैं उदी ही जांदी रवांगी सहाबा फरमान ने माई तुर गई मेरे नबी उस माई दी कदर ते रोंदे रे सहाबा फरमान ने कमली वाले वापस अपनी जगह पे आके रोंदे रे सहाबा फरमान ने बड़ी देर तक रोंदे रे सहाबा ने अर्ज की थी कमली वाले आ माई कौन है मेरे नबी ने फरमाया सहाबा उस माई दियां बड़िया शानां है अर्ज की थी कमली वाले आ शाना से तेरे जोड़िया दिया भी बढ़िया ने जिन्ना नो चुमन रब दा अर्श तरसदा है ओ माई दे हाडा मत्था ही चुमी जांदी रही है मेरे नबी ने फरमाया सहाबा उस माई दिया इस तो भी ज्यादा शानान है अद गीती कमली वाले दुनिया को शानान है मेरे नबी ने फरमाया सहाबा उस माई दिया इनिया शानान है मैं नबिया का इमाम होके उस माई दिया बकरियां चारदारियां मैं नबिया का इमाम होके ओ यार क्लास के वालों सच्ची दसो ए ते मेरे नबी दी रजाई मामा हलीमा आई है ते कमली वाला इन्ना अदब ते इन्ना प्यार पे कर दे जे मुहम्मद दी सच्ची मां आमना आ जांदी ते होरे कमली वाले किन्ना को प्यार कर पता को किन्नो समझ आनी ते किन्नो नहीं आनी जन्नत आई ते मचल ते जरूर जाएगा मैं अपनी अम्मी दी गल नहीं सुना लगा मैं नबी पाक दी अम्मी दी गल सुना लगा के तबा जे छा कोई नहीं अच्छा सारे रल के ना नबी पाक दी अम्मी दा जिक्र करिए सुभान अल्लाह ओ यार मैं तुहाडी अम्मी जे अब्बे दी शान सुना रहा ते तुहाडे कले जे ठंड पैंदी है नहीं होता जी छा कोई नहीं होता जी छा कोई नहीं होता जी छा कोई नहीं मेरे आका दिमागी तो जग उते मां कोई नहीं क्लास के वाले मेरी अख च अख पाके जुमला सुने आजे
अगले जुमले से हाथ थले न रखा जाए तो जबाना खामोश न रखा जाए। मैं बहुत बड़ा जुमला मैं तो हड़े बड़ा इशारा कर लगा माशर का रोज होगा सवारियां सारिया बीबिया दी भी आंदियां हो गया जब सवारी आएगी ना मेरे नबी दी अम्मी दी हूरां चरमड़े च मेरे नबी दी अम्मी जान दी सवारी आएगी हूरां दे चरमड़े च जब सैयदा आमना दी सवारी आएगी हुण तवज्जो करे आजे सैयदा आमना दी सवारी आएगी अल्लाह पुछेगा बीबी दस तू कौन है हुण ए ना समझ जे अल्लाह नु नहीं पता कौन है अल्लाह नु ते सारा ही पता है अलीम बिजात सुदूर है ओनु ते सारा ही पता है कि कौन है अल्लाह उथे भी नमे तेरे मेरे नबी दी अम्मी दियां शाना दसना चाहता है तवज्जो करे आजे अल्लाह पूछे गया बीबी दस तू कौन है सज्जे खबे वेख्या जे केड़ा जेड़ा मेरी अम्मी दी नाते हाथ चुकदा ते केड़ा नहीं चुकदा हुण स्टेज वाले तुहाडी भी वारी है इंज दी सुभान अल्लाह बोलो कि मेरा हां ठर जावे मैं राजनपुर गया थोड़े दिन पहले ते मैं उथे आख्या के चाय बाजी छां कोई नहीं ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਬਾ ਜੀ ਛਾਂ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਦੋ ਜਗ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਹਸਨ ਅਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਜ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠਰ ਵੰਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਠਰ ਵੰਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਬਲਾ ਹੌਲਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਓਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਜਨਪੁਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੰਗਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਲਾਸ ਕੇ ਵਾਲਿਓ ਹੁਣ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਜਦਾ ਆਮਣਾ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਚ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕਲਾਸ ਕੇ ਵਾਲਿਓ ਵੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ ਸ਼ਾਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਕਿ ਤੈਬਾ ਦੀ ਛਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਦੋ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਨਾ ਚਾਹਨੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੇਖੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਮਰੂਦ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੇਲਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸੇਬ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਠਾ ਲੈ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੂਟ ਛੁਪਾ ਛੁਪਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਬਾਈ ਤਜੰਮਲ ਮੁਜੱਦਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਐਡਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਰੂਟ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਫਰੂਟ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਦੇ ਹਕੂਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਣ ਦੇ ਹਕੂਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ
तू ते उस रात दा भी तू अपनी मां दा कर्ज अदा नहीं कर सकदा कि जिस रात तेरी मां ने जिस तकलीफ दे नाल तेनू जन्म दिता सी। अज तू अपनी अम्मी ते अब्बे नू कहना तुहानू ते पता ही कोई नहीं, मैं रिड़ी तो हानू लच्छे दर आवाज सुर सुना नहीं आया, मैं शेर सुना नहीं आया, मैं तो हाड़े आज सीनिया में जड़ा खून डा लुथड़ा दिल लेना, मैं इन्दे ते दस्तक दे आया, अगरचे तेरे दिल में उतर जाए मेरी एक बात। अज मामा रोंद गया ते बाप कर लौंदे ने कि पुत्र आखे नहीं लगदे, ओ किड्डा बदबख्त नौजवान जिन्हें जिंदगी विच रह के भी अपने मापे की खिदमत नहीं की, जिन्हों अल्लाह ने तौफीक भी दी ते फिर भी खिदमत नहीं कर लिया। मेरी मिल्लत दे नौजवानों एक बात ज़हन च रखा, जे अज तुसी अपने वालदैन की कदर नहीं करोगे ते अपने बच्चों ते भी तवक्को मत रखेंगे तेरे बच्चे बड़े हो के तेरी कदर करेंगे। अज तू अपने वालदैन की खिदमत करेगा ते तेरे बच्चे भी तेरी खिदमत करेंगे। अज तू अपनी अम्मी नु झड़का मारेगा तो अपने अब्बे नु झड़का मारेगा, तेरे बच्चे भी जवान होके तेनू झड़का मारनगे। ओ यार मैं तुहानू की दसांगे दौर किंज दा जा रहा है। चंद दिन कबल मैं साडे शेखुपुरा दे अंदर हर इलाके विच तुहानू पता है कि मजदूर अड्डा होंदा है, मजदूर अड्डा तकरीबन इशादा उठे मुसम्मी वाला जूस लगा के खड़ा सी, मुसम्मी दा जूस ते मैं गड्डी रोक ली, मैं क्या मैं जूस पीना। चिट्टी सफेद दाढ़ी बाबे दी बारिश ते मैं गड्डी रोकी ते बाबा दौड़ के मेरे कोल आ गया। मैं शीशा नीचे कीता, मैं कह जी बाबा जी हुक्म। बाबे दियां अखां च अथरू, रोके कह लंगा हाफिज़ साहिब सुबह दा बैठा ते बुढ़ा समझ के कोई मैनू मजदूरी वास्ते भी नहीं लैके गया, बुजुर्ग समझ के कोई मैनू मजदूरी वास्ते भी नहीं लैके गया, घर जाना ते आटा भी कोनी ते बेटियां उड़ीक ला के बैठियां कि अप्पू आणगे ते रोटी पकावांगे। क्या पूछते हो दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बताऊं यहाँ होता है। बाबा दर्द ना रोया, मैं अपनी गड्डी विच उतर के मैं बाबे नूं सीने नाल ला के ते मैं कहा बाबा जी मैं हाजर हूं, हुक्म करो की लैना है, जो मेरे को तौफीक हो सकी मैं जो भी साईयां ने जो भी फरमाया से। ओ यार तेनू तरस नहीं आता तेरे बाप की चिट्टी दाड़ी ते, तेनू हया नहीं आती तेरी अम्मी के वाल बगे हो गए ने, झिड़का मारना तू कोठी बना ली, तू बंगला बना लिया, तू मकान बना लिया, तू कहना क्या अम्मी ते अबू ते इशान कर देता है। कहते भी नहीं, बड़े 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 चौधरी रोंदे वेखे ने ते पुछिए ना कादी कमी, जे रोंदे क्यों ते बोल के पते के कहंदे ने कमी किसे गल दी नहीं, कोठियां भी ने कारां भी ने बंगले भी ने बैंक बैलेंस भी है जायदादा भी ने सारा कुछ है, पर जदों घर आने अम्मी ते अब्बा नजर नहीं आंदे ते घर विच सुकून भी नहीं आउंदा। इत्थे कदर उहनूं पुछ जिहदा कोई नहीं। अज अहद करके जाओ क्लास के वालो, अहद करके जाओ कि इंशाल्लाह अज तो बाद असी अम्मी ते अब्बे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आवांगे। इंशाल्लाह उच्ची बोल के आखो इंशाल्लाह। अज तो बाद अपनी बहन बेटी नूं तंग नहीं करांगे, अपनी घर वाली नूं भी तंग नहीं करांगे। ओ जिहड़ी तेरे घर किसे दी बीवी है ना, ओ किसे दी तेरे घर विच बेटी आई है, वो किसे दी बहन भी है ते किसे दी बेटी भी है। अज तू किसे दी बेटी दे जुलम ते तशद्दुद करेगा ते कल नूं तेरियां ते भी कोई करेगा। तेरी बहन नूं कोई झड़क मारे ते तेरा दिल करदा कि मैं इहदा सिर फाड़ दियां, इहनूं जानू मार दियां, इहने मेरी बहन नूं मारिया क्यों।
ते जो तू तशद्दुद करे प्यार बंडो हुस्न सलूक च बड़ा कुछ है। अज तो बाद अपने घर का माहौल तब्दील करो। कई बंदे जमल भाई घर जाते ना शाजी हजूर, कई बंदे घर जाते ने घर वाले सहम जाते ने पता नहीं कोई जिन आ गया ते घर वाले दुआव करते हैं यार केड़ा वक्त होवे ते घरों बाहर निकल जाए। ये तेरा किरदार नहीं, अपना किरदार इंजदा बना के तू तो घरों बाहर निकले तो घर वाले का दिल ना लगे तो तेन फोन कर करके कह कितने रह गए जल्दी आओ तेरे नाल ते साड़ियां बहार ने इंजदा अपना आप ना बढ़ो। इंशाल्लाह फिर कदे मैं हाजिर होया ना कदा या कलबी वाला वाकया उतार कर चले मैं वादा करके जा रहा भाई मैं दाएं मैं जिथे भी आया जा फिर कदे हाजिर खिदमत होया तो सुना के जावांगा मैं वादा करके जा रहा बस अज मेरे नाल तुसी यही वादा कर लवो कि मैनू मेरे बाबा साईं ताजदार चूरा शरीफ आप दे ओ मैं अलहमदुलिल्लाह हर जगह ते फजान जारी कर रहा ते एक ते चादर और तहरीक भाई तजम्मल साहब कारी अजीम साहब ये चला रहे ने अल्हम्दुलिल्लाह ते दूसरा मैनू सिर्फ पांच तन पाक दे नां दे पांच नौजवान चाहिए ने बैठ जो भाई पांच तन पाक दे नां दे पांच नौजवान जेड़े कहणगे असी अज तो बाद नबी पाक दी सुन्नत सजावांगे भाई पांच तन पाक दे नां दे पांच नौजवान खड़े हो जाओ जल्दी नाल जल्दी नाल माशाल्लाह बाबा जी खड़े हो गए तुसी भी जवान भी कोशिश करो ना माशाल्लाह खड़े हो गए ताकि इन्हां नूं हया आ जाए ते हो सकदा बेड़ा पार हो जावे जल्दी नाल खड़े हो जाओ भाई माशाल्लाह अल्लाह तुहाड़ियां जवानियां नूं सलामत रखे और अज तो बाद नीयत करो कोई सिगरट नहीं पीवांगे नसवार नहीं रखांगे अज तो बाद ये नीयत करो कि जुत्ती चोरी नहीं चुकांगे मस्जिद जाके नमाज पढ़न जावांगे जुत्ती की फिक्र नहीं करांगे जो फिक्र जुत्ती वल होवे तो फिर नमाज कित्थे होवे अल्लाह सानू अमल की तौफीक अता फरमाए आखिरी दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إله العالمين تیرا تیرا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کیا الہی اس ذکر کی برکت سے ہم سب کی مشکلیں آسان فرما عزت و آبرو کی حفاظت فرما جن دوست احباب نے الہ العالمین اس محفل پاک کا انعقاد کیا الہ العالمین उनके घरों में खुशहालियाँ अता फरमाने वाली ज़मीनी आसमानी आफ़ातों बलिया से इलाहुल आलमीन हम सब को महफूज फरमा इलाहुल आलमीन अलामा साहब के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमा आपको उम्र खिज़र अता फरमा इलाहुल आलमीन जो आपने बात कहीं इलाहुल हम कौन पर अमल पर होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा इलाहुल आलमीन मेरी माएँ बहनें जो पर्दा में बैठी हैं इलाहुल आलमीन की दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा अपने घरों में सुकून अता फरमा इलाहुल आलमीन जो बहनें बे औलाद हैं अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में खेलने वाले हसनैन करीमैन के सदका इलाहुल आलमीन नेक साले औलाद अता फरमा इलाहुल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख़ैर हिसाब के बख्शिश फरमा हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा इलाहुल आलमीन खात्मा बिल खैर खात्मा बिल ईमान अता फरमा इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा जो परेशान हार हैं परेशानियों को दूर फरमा जो मकरूज हैं कर्जे से इखलासी अता फरमा इलाहुल आलमीन जिनके वालदैन जिंदा हैं उनको अपने वालदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा इलाही जिनके वालदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कामिल बख्शिश फरमा इलाहुल आलमीन बिलखुसूस भाई मोहम्मद अली आपके वालदा का इंतकाल हुआ इलाहुल आलमीन उनकी कामिल बख्शिश फरमा سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه